हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। चिल्वाताल थाना क्षेत्र में हुई मामूली विवाद में महिला की मौत, एसएसपी ने बताया पुरानी रंजिश में हुई मारपीट, इलाज के दौरान हुई महिला की मौत, गोली चलने की सूचना मात्र अफवाह। पॉलिथीन पे लगे प्रतिबंध पर हो रही कार्रवाई को प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जानकारी, नियम को कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। बेली पर पुलिस की हत्या चढ़ा एक आरोपी, बरामद की तीन चोरी की मोटरसाइकिल। कमिश्नर और डीएम ने रामगढ़ ताल जेट्टी पर शुरू होने वाले योगा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों का लिया जायजा, डीएम ने कहा स्थानीय कलाकारों के माध्यम से जेट्टी को बनाया जाएगा आकर्षक। जिलाधिकारी के निर्देशन में सीडीओ ने किया अखाड़ों का संचालन के संबंध में बैठक, अखाड़ों की व्यवस्था को सुधारने के दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे के संरक्षा विभाग एक्सीडेंट इंक्वायरी द गाइड के प्रथम हिंदी संस्करण के पुस्तक का महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने किया विमोचन। निगम द्वारा वार्डों में साफ सफाई के लिए पार्षदों को धन अवमुक्त न कराने के विरोध में लगभग एक दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने नगर निगम गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के छात्रों को इंसेफ्लाइटिस से बचाव और यातायात के नियमों के प्रति किया गया जागरूक। काम पर लौटे सेंट एंड्रयूज कॉलेज के 48 शिक्षक और कर्मचारी, सोमवार को शांतिपुर महान में बीए तृतीय वर्ष का हुआ प्रवेश कार्य। जिलाधिकारी के जनता दर्शन में उमड़े फरियादी, लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए दिया निस्तारण के निर्देश। पूर्वांचल बैंक से दैनिक मजदूरों को काम से न निकाले जाने सहित कुल 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्वांचल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने तारा मंडल स्थित पूर्वांचल बैंक के मुख्य द्वार पर दिया धरना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राय स्नातक कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया हुई आरंभ, पहले दिन कुल 392 अभ्यर्थियों ने लिया एडमिशन। कलेक्ट्रेट परिषद में 16 सितंबर तक रहेगा धारा 144 लागू, एडीएम सिटी ने जारी किए आदेश। प्लास्टिक से संबंधित सामानों पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, सामानों के स्टॉक को खत्म करने के लिए मांगा एक वर्ष का समय। और जिला फुटबॉल लीग में यंग बॉयज सरगावा ने सद्भावना क्लब को 2-1 से दी मात, खुखरी क्लब और पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय का मैच बिना गोल के रहा ड्रॉ।